बैठ करके हमने प्लान तैयार किया कि क्योंकि हमें 90 दिन का समय मिला तो 90 दिन में हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम जो हमारे सरकारी विद्यालय जिन लोगों को सेवा दे रहे हैं उन सभी परिवारों के मिलने का एक मन हुआ और SMC से बढ़िया साधन नहीं है, तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनके भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुँची, तो जो सुझाव इनकी तरफ से आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक और जो सुझाव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने लायक होंगे उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इन्हीं की बातें कि इन्हीं की ज़बानी कि 2014 के बाद में इन्होंने क्या बदलाव देखा और आज ये और क्या चाहते हैं, दोनों बातें। एक कॉमन समस्या है हमारे पास के चौकीदार, तो हमें पेरेंट्स ही सुझाव देते हैं मैम एक चौकीदार होना चाहिए और हम ये मांगते हैं 14,500 स्कूल हैं और शिक्षकों की कमी है, एक ये सुझाव इसके लिए इन दो बातों के लिए जाते हैं। स्कूलों में शिक्षकों, अरे लगभग ख़त्म हो चुके सब कुछ ऑनलाइन, आप वोट बनाने के लिए इनको थोड़ी जाना है, आप ऑनलाइन किसी का वोट बनाएं किसी का कटाएं। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार के लिए हमें खुद में सुधार की आवश्यकता। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षक को भी इंसेंटिव जाना चाहिए जिनके रिजल्ट्स बियॉन्ड कंपैरिजन है। अगर आप देखेंगे तो ये हरियाणा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे नीट में भी सरकारी स्कूलों के सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माता पिता और गुरु जब तीनों का समीकरण बढ़िया बैठता है तो बच्चा बिल्कुल तेज़ी से निकलता है। प्राइवेट स्कूल, मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों ने 2019 के बाद तेज़ी से और उससे पहले भी आज हमारे स्कूलों के माध्यम से 25 लाख बच्चे सेवाएं ले रहे हैं और 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 14,500 में 25 लाख बच्चे और लोगों का एतबार बढ़ा है। अभी जब आप देखेंगे पूरे प्रोग्राम को आप तो कई पेरेंट्स बोलते हुए मिलेंगे कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में था उसे हमने 2020 में